गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बायोलॉजी का एमसीक्यूज का पार्ट 5 लेकर आए हैं। आपको पता ही है कि हम डेली की डेली एक नई वीडियो लेकर आते हैं जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। तो आज हम बायोलॉजी का जो एमसीक्यू का जो पार्ट 5 है वो लेकर आए हैं। तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, 2018 के ही चला हुआ है पेपर, ठीक है। तो जितने भी ये नीचे लिखे हुए हैं HPTST, HPTPHT, नीट वगैरह, ये सब इनमें से ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो पूरा का पूरा वीडियो को देखिएगा और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दोबारा ना भूलिएगा, ठीक है। और मैं सारे के सारे प्लेलिस्ट जो है आपको आई बटन में दे दूँगा, ठीक है, बायोलॉजी की। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे के सारे लिंक्स मिल जाएंगे मेरे सारे के सारे प्लेलिस्ट के, और वहाँ पर PDF भी मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रैपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर। देखिए, जो रैपलम होता है वो किस कहाँ प्रेजेंट होता है, किस में प्रेजेंट होता है, किसकी ओवरी में प्रेजेंट होता है, क्या मस्टर्ड की ओवरी में प्रेजेंट होता है, क्या लेमन की ओवरी में प्रेजेंट होता है, क्या पी की ओवरी में प्रेजेंट होता है, क्या सनफ्लावर की ओवरी में प्रेजेंट होता है। तो देखिए, जो रैपलम होता है आपका, वो आपका मस्टर्ड की ओवरी में प्रेजेंट होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट होगा, ठीक है। रैपलम जो है हमारा, जो मस्टर्ड की जो ओवरी होती है वो वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये एक तरह से कवरिंग होती है उसकी ओवरी की, तो इसको याद रखिए। या फिर अटैचमेंट के लिए, ओवरी के साथ अटैचमेंट रखने के लिए जो पॉइंट होता है वो रैपलम से ही होता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका आंसर जो है राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरीडर्म इज फॉर्म्ड बाय, जो पेरीडर्म होती है वो किससे बनी होती है, क्या फिलम से बनी होती है, क्या फिलोडर्म से बनी होती है, क्या फिलोजन से बनी होती है, क्या ऑल ऑफ दीज से बनी होती है। तो देखिए, जो पेरीडर्म है वो तीनों से ही बनी हुई होती है, ठीक है। पेरीडर्म जो है वो तीनों से ही बनी हुई होती है, पेरीडर्म जो आपके तीनों से ही बनी हुई होती है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपिब्लेमा इज करेक्टरिस्टिक्स ऑफ, एपिब्लेमा जो है वो किसका करैक्टरिस्टिक्स है। देखिए, एपिब्लेमा एक तरह से एपिडर्मिस ही है, ठीक है, वो किसका करैक्टरिस्टिक्स है। तो देखिए, वो आपका डाइकोट रूट का करैक्टर है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा, एपिब्लेमा एक तरह से जो एपिडर्मिस की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो वो डाइकोट रूट में काम करता है, ना कि मोनोकोट रूट में, ना कि डाइकोट स्टेम में, ना कि मोनोकोट स्टेम में, ओनली इसका जो है सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जूट फाइबर्स आर ऑप्टेंड फ्रॉम, जो जूट फाइबर्स होते हैं वो किससे ऑप्टेन होते हैं, क्या ग्जाइलम से होते हैं, क्या स्कैंड्रीफ्लियम से होते हैं, क्या एंडोडर्म से होते हैं, क्या आपका पिथ से होता है। जो ग्जाइलम जूट फाइबर्स जो होते हैं वो सेकेंडरी फ्लूइम से ऑप्टेंड होते हैं आपको, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। देखिए, ये पुराने प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, तो इनको इग्नोर मत कीजिएगा, ये हर एक एग्ज़ाम में आने की आकांक्षा आ सकते हैं, ठीक है। तो आप इसको पूरे एक एक करके सॉल्व कीजिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मास्ट सेल्स सीक्रेट, जो मास्ट सेल्स होते हैं बॉडी में वो क्या सीक्रेट करते हैं, क्या हेपरिन को सीक्रेट करते हैं, क्या मायोग्लोबिन को सीक्रेट करते हैं, क्या हिस्टामाइन को सीक्रेट करते हैं, क्या हीमोग्लोबिन को सीक्रेट करते हैं। तो देखिए, जो मास्ट सेल्स होते हैं वो आपका हेपरिन को सीक्रेट करते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हेपरिन शायद एक तरह से एंटीकोगुलेंट की तरह काम करता है, ठीक है, तो इसको आप याद रखें, ठीक है, जो कि मास्ट सेल से सीक्रेट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कंपाउंड आइज आर फाउंड इन, जो कंपाउंड आइज होती है वो किस में फाउंड होती है, क्या कॉकरोच में होती है, क्या राउंड वॉर्म में होती है, क्या अर्थ वॉर्म में होती है, क्या फ्रॉग में होती है। तो जो कंपाउंड आइज होती है वो आपकी कॉकरोच में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, कंपाउंड आइज जो है वो कॉकरोच में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपलेस्ट एमिनो एसिड, इनमें से कौन सा सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है। तो टायरोसिन है, ग्लाइसिन है, एस्परजीन है, क्या एलानिन है। तो देखिए, ग्लाइसिन जो है आपका वो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है।
इस तरह से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वांटाजोम्स आर प्रेजेंट इन, जो क्वांटाजोम्स होते हैं वो किस में प्रेजेंट होते हैं, क्या स्ट्रोमा में होते हैं, क्या ग्राना में होते हैं, क्या माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं, तो क्या आपका गॉल्जी बॉडी में होते हैं। तो देखिए क्वांटाजोम्स जो होते हैं वो आपके ग्राना में प्रेजेंट होते हैं, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल स्वेल्स अप व्हेन कैप्टन, एक सेल है वो कब स्वेल करेगा, जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, जब उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, जब उसको आइसोटोनिक सॉल्यूशन में डालेंगे, क्या नन ऑफ दीज, यानी कि किसी में भी डाल के फ़ायदा नहीं है। तो देखिए जब हम किसी भी सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो सेल जो है वो स्वेल करता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। लेकिन अगर हम किसी सेल को हाइपरटोनिक स्वेल सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो श्रिंक करेगा। ठीक है, कब स्वेल करेगा वो, कब फूलेगा, जब उसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन दिया जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं सारे के सारे, कोई चिंता की बात नहीं, आंसर सारे सही हैं। आप सिर्फ पूरा का पूरा वीडियो देखिए, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि आपने कितने क्वेश्चंस जो हैं सही किए हैं। ठीक है, आई बटन में आपको सारे की सारी बायोलॉजी की प्लेलिस्ट मिलेगी, जो भी नीट की तैयारी कर रहा है, जो भी HPTHD की तैयारी कर रहा है, जो भी PhD की तैयारी कर रहा है या टेट की तैयारी कर रहा है, सारे की सारी प्लेलिस्ट आपको आई बटन में मिल जाएगी बायोलॉजी की। और जितनी भी प्लेलिस्ट होगी वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं और PDF भी उसमें है। नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्लाइटलेस बर्ड, इनमें से कौन सा फ्लाइटलेस बर्ड है जो उड़ नहीं सकता। देखिए ये सब आपके साइंटिफिक नेम्स हैं। ठीक है, इनमें से एक साइंटिफिक नेम जो है फ्लाइटलेस बर्ड का भी है। तो देखिए फ्लाइटलेस बर्ड में आपका ऑस्ट्रिच आ जाता है या फिर ईमू आ जाता है। ईमू एक तरह से ऑस्ट्रिच की प्रजाति है, शुतुरमुर्ग जिसको बोलते हैं। तो देखिए जो फ्लाइटलेस बर्ड है आपका वो है आपका ऑस्ट्रिच या इमू। तो उसका जो सर जीनस होता है या स्पीशीज होती है वो होती है स्ट्रूथियो। ठीक है, तो स्ट्रूथियो इसमें जो है आपका फ्लाइटलेस बर्ड है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आज ये टॉप 10 क्वेश्चंस थे। तो कल फिर मिलेंगे रात को एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। सारा का सारा वीडियो जो है आपको प्लेलिस्ट जो है आपको ऊपर मिल जाएगा आई बटन में, तो आप वहां से देख सकते हैं। और लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मुझे दीजिएगा इजाज़त जाने की। तो जय हिंद दोस्तों।